स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे आई हैव कम विथ माय 16th लेक्चर वीडियो व्हिच इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर सेकेंड। द नेम हेडलाइन ऑफ दिस चैप्टर इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। टुडे आई राइट द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर ए टू डी विच आर वेरी एसेंशियल फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन यूनिट वन। सो यू ओपन योर बुक एंड राइट द क्वेश्चन आंसर इन बुक। द फर्स्ट क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन इज एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वन नंबर क्वेश्चन इज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ, यह संसार भरा हुआ है। राइट आंसर इज ए डाइवर्सिटी। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, पूरा विश्व विविधता से भरा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन इज इफ वी डू नॉट एग्री विथ आवर नेबर्स इवन इफ दे आर राइट, अगर हम अपने पड़ोसी के किसी बात से सहमत नहीं हैं, यदि वह सही रास्ते पर भी है तभी भी इट इज कॉल्ड ऑप्शन ए प्रिजुडिस। अगर किसी के बारे में निगेटिव थॉट हमारे मन में है और इसके आधार पे हम उससे एग्री नहीं है, इट इज नॉन ए प्रिजुडिस। थर्ड क्वेश्चन इज अनटचेबल्स वेयर ऑल्सो कॉल्ड अनटचेबल को हम चार ऑप्शन में से सी ऑप्शन है दलित्स, दलित्स के नाम से जानते हैं। सो राइट आंसर इज सी इनइक्वालिटी कैन बी, इनइक्वालिटी हो सकता है किस किस स्तर पे, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ये असमानता ये तीनों स्तर पे हो सकता है, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे। सो राइट आंसर इज बी ऑल ऑफ दीज। नाउ इट इज द टर्न ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर बी। वन नंबर इज डैश एंड डैश रेज्ड वॉइस अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। दो महामानव थे जिन्होंने छुआछूत के विरोध में आवाजें उठाई। वो दो महामानव थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। सो यू राइट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी। सेकेंड इन स्टीरियोटाइप में ए पर्सन इज फिक्स्ड इनटू ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ इमेज। व्यक्ति के मन में पहले से ही किसी के विरोध में जो निगेटिव थॉट आ जाता है वही स्टीरियोटाइप कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी फोर्स्ड टू डू हजार्डस वर्क। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कठिन कार्य के लिए हम दबाव नहीं डाल सकते हैं। और डैश इज बैन इन इंडिया, भारत में इस पे बैन लगा दिया गया है, वह है चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर बाल मजदूरी पर बैन लगाया गया है। RTE राइट टू एजुकेशन हैज वाइडेंड द एम्बिट ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स। राइट टू एजुकेशन को गर्ल्स के एजुकेशन के लिए विस्तारित किया गया है। नाउ इट इज द टर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग।
यू मैच। वन नंबर क्वेश्चन, दलित लीडर, दलित लीडर कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर से मैच करें। सत्याग्रह जैसे रिवॉल्यूशन को चलाया गया इन 1927 में। एंड नागपुर कॉन्फ्रेंस बी आर अम्बेडकर ने 1918 में शुरू किया। एंड ए न्यू डाउन, एक नया सवेरा शुरू हुआ RTE से, राइट टू एजुकेशन से। नाउ एंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज RTE? RTE द आंसर इज RTE इज द एम्बिट ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स। RTE राइट टू एजुकेशन लड़कियों के एजुकेशन के लिए विस्तार किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज सत्याग्रह? किस सन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया? तो राइट आंसर इज इन दिसंबर 1927। एंड यू कैन राइट इट इन ए कंप्लीट सेंटेंस लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन दिसंबर 1927। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज प्रिजुडिस मीन? प्रिजुडिस का क्या अर्थ है? पूर्व, प्रिजुडिस मीन्स पूर्व अवधारणा जो निगेटिव होता है। राइट आंसर इज प्रिजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपुल। प्रिजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपुल निगेटिवली, दूसरे के बारे में नकारात्मक विचार को रखते हुए निर्णय लेना और सी देम एज इंफेरियर और उसे अपने से नीचा दिखाना, ये प्रिजुडिस है। That's all. Fourth and last short question is, are all people equal before the law? क्या कानून के सामने सारे लोग, सारी जनता एक बराबर है? Its right answer is yes. हाँ, all people are equal before the law. कानून के सामने सारे लोगों को एक समान अधिकार दिए गए हैं। कानून की नज़र में सभी एक बराबर हैं। यहाँ तक कि अगर सीएम भी गलती करते हैं, पीएम भी गलती करते हैं, तो उनके ऊपर उनके केस का निपटारा लॉ के द्वारा किया जा सकता है। That's all.